हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र पांडे लेकर हाजिर हुआ हूं करंट अफेयर्स 360 डिग्री अप्रोच शो। तो आज जो है आपका 20 फरवरी 2019 है, तो आज के दिन हम जो है 8 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। एक जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमने आपसे पूछा था, और एक जो हम आपको देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, और हम जिसे अगले दिन के वीडियो में बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमने जो है कल बजट का जो पार्ट टू सीरीज है, यानी कि ट्रेडिशनल बेस्ड जो क्वेश्चंस है जो बजट पे बेस्ड हैं, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो जो भी बजट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उन पे जो है कल हमने 25 क्वेश्चंस बनाए हैं। और ये जो 25 क्वेश्चंस हैं ये आने वाले किसी भी एग्जाम, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे आईएएस प्री का हो, तो ये सारे एग्जाम्स में बहुत ही आपको फायदा पहुंचाएंगे। तो इसे तो है देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो कल हमने अपलोड कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। और आपको करना क्या है, या तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की, यानी कि 20 फरवरी 2019 के सेशन की, कल के क्वेश्चन ऑफ द डे से। तो कल जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया में सबसे अधिक तस्करी वाला स्तनपाई कौन सा है, सो विच इज द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल इन द वर्ल्ड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, छिपकली। यानी कि ये कौन सी छिपकली है, इसको हम लोग पेंगोलिंग बोलते हैं। ठीक है, पेंगोलिन, ठीक है, तो छिपकली नहीं है, ये पेंगोलिन है। सो पेंगोलिन जो है ये मोस्ट ट्रैफिक मैमल इन द वर्ल्ड है। और ये हमने सवाल क्यों पूछा था, क्योंकि 16 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड पेंगोलिन डे। सो हर साल 16 फरवरी को वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जाता है, और 2019 में जो मनाया गया ये 8वां पेंगोलिन डे था। ठीक है, अब ये पेंगोलिन होते क्या हैं और इनके फीचर्स क्या हैं और ये क्यों सबसे ज्यादा ट्रैफिक्ड हैं, तो हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए, जो मैंने फोटो दिखाया है यही होते हैं पेंगोलिन। ये बड़े से छिपकली के शेप में होते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये काफी स्केली जो है इनका कवर है और काफी हार्ड होता है। और ये क्या करते हैं, इनकी बहुत लंबी सी जीभ होती है, तो ये मैक्सिमम जो है एंट्स यानी चींटियों और जो टर्माइट्स होते हैं उन्हीं पे फीड करते हैं, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, स्केली एंट ईटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्केली एंट ईटर भी। और ये जो है नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर के रूप में जाने जाते हैं पेंगोलिन्स, क्योंकि एक सिंगल पेंगोलिन जो है 70 मिलियन इंसेक्ट्स जो है साल में खा जाता है। लेकिन 70 मिलियन इंसेक्ट्स ये साल में खाते तो हैं, लेकिन हम आपको यहां पे बता देना चाहते हैं कि पिछले एक दशक में लगभग 1 करोड़ जो है पेंगोलिन ये ट्रैफिक्ड किए जा चुके हैं, या पोच किए जा चुके हैं, या इनको मारा जा चुका है। और मेन जो हब है वो है आपका चाइना, तो चाइना में जो है इनको जो है इसलिए पोच करके ट्रेड किया जाता है, क्योंकि जो इनकी स्किन है, यानी ये जो स्केली स्किन है इसमें कैरेटिन की मात्रा पाई जाती है। सो कैरेटिन जो है ये नेचुरल जो है नेल्स और बालों में पाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए काफी लोग यूज करते हैं, कई लोग जो है इसके ब्लड को यूज करते हैं, क्योंकि ब्लड जो है नेचुरल एफ्रोडिजियाक है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके काफी ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, और प्लस फ्लैश के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये 1 करोड़ पिछले एक दशक में हमने बोला, तो अब जहां साल में आपका, मैं बता दूं कि जहां साल में 200 राइनोज और लगभग 1000 हाथी जो है अफ्रीकन हाथी मारे जाते हैं, तो उसी के मुकाबले 50 गुना ज्यादा जो है पेंगोलिन जो है मारे जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं द लेवल ऑफ पोचिंग ऑफ दीज पेंगोलिन्स। ठीक है, अब पेंगोलिन की है कुल मिला के 8 स्पीसीज जो है वर्ल्ड ओवर पाई जाती हैं, यानी कि 8 प्रजातियां इनकी पाई जाती हैं, 4 एशियन प्रजातियां हैं और 4 अफ्रीकन प्रजातियां हैं। ठीक है, जो एशियन प्रजातियां हैं ये मूलतः नेपाल, चाइना, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। और नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, सलक बोलते हैं। नेपाल में क्या बोलते हैं इसको, सलक बोलते हैं। ठीक है, और ये IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर
के रेड लिस्ट में ये थ्रेटेंड स्पीसीज में आता है, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर हमने इनको नहीं बचाया तो ये कुछ दिनों में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, फरवरी 16 वर्ल्ड पेंगोलिन डे के रूप में मनाया जाता है। तो शशांक, आपने पेंगोलिन के बारे में ज्यादा जो है जानकारी चाहिए थी, हमने आपको दे दी है। आई होप जो है वी हैव सर्व्ड ऑल द यूजर्स एंड दे माइट बी वेरी हैप्पी विद दिस इंफॉर्मेशन, और हम ऐसा ही आगे भी करते रहेंगे। ओके, तो चलिए, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको रोजाना हमारा वीडियो मिल सके। ठीक है, चलिए अब जो है बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर क्वेश्चंस की ओर, और देखते हैं 20 फरवरी 2019 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है, हमने पूछा है आपसे कि किस देश ने जैसे मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाएगा। सो विच कंट्री विल मूव अ प्रपोजल एट द यूएन टू बैन द जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर, तो ये कौन करेगा? तो आपका बी करेक्ट आंसर है, यानी कि फ्रांस जो है ऐसी पहल कर रहा है, और इससे पहले पिछले साल जो है अमेरिका ने ऐसी पहल की थी, लेकिन पिछले साल जो है चाइना जो है सबसे बड़ा रोड़ा बन के आया था, क्योंकि चाइना ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर होने के चलते जिनके पास जो है वीटो का अधिकार है, उसका यूज करते हुए जो मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि यहां पे सर्वसम्मति से पास होता है, अगर एक भी परमानेंट मेंबर किसी प्रपोजल को वेटो कर देता है तो वो जो है प्रपोजल पास नहीं होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब फ्रांस कितना इस मुहिम में कामयाब होगा और भारत को इसमें कैसी जीत मिलेगी, जो भारत की लड़ाई चल रही है पाकिस्तान द्वारा प्रेरित आतंकवाद को लेकर, ठीक है, अगर भारत जो है डिप्लोमेटिकली जो है पाकिस्तान को अगर आइसोलेट कर पाता है या मसूद अजहर को टेररिस्ट लिस्ट में डलवा पाता है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी। ठीक है, अब बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की जब बात आई है तो इससे इंटरेस्टेड, जैसा कि हमने कहा कि हम जो है परसों यानी कि आपका 18 फरवरी से जो है हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अ कंट्री और अ स्टेट दे रहे हैं, तो आइए फ्रांस के बारे में देखते हैं। तो पहले तो हम बता दें कि फ्रांस जो है यूरोप का सबसे बड़ा देश है, और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पेरिस। ठीक है, और ये जो है किस नदी पे है पेरिस? ये राइन नदी पे है। ठीक है, किस नदी पे? तो राइन। ठीक है, राइन रिवर पे जो है आपका पेरिस है। और इसके बाद जो है यहां के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहां के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो ये यहां के प्रेसिडेंट हैं। ओके, और यहां की जो करेंसी है वो है आपकी यूरो, और ये जो है यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, और इसको लोग हेक्सागन के नाम से भी जानते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप इसका बाउंड्री देखेंगे तो इसके 6 साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये सॉरी 1, 2, 3, 4, ठीक है, फिर 5 और ये 6, तो ये टोटल जो है आपका 6 साइड है फ्रांस का, इसलिए इसको हेक्सागन के रूप से भी जानते हैं। ओके, और नेशनल मोटो जो फ्रांस का है वो है आपका लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के दौरान जो है काफी यूज हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, और जो है इसको भारत ने भी जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंच आर्मी पहली ऐसी आर्मी थी जिसने कैमोफ्लेज का इस्तेमाल किया था वॉर्स में, और इसने वर्ल्ड वॉर वन के दौरान 1915 में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। अब कैमोफ्लेज से मतलब है कि आप जो है टैंक को जंगलों का कलर दे देते हैं, या आर्मी जो है जंगल जैसा ड्रेस पहन लेती है, तो ये दुश्मन के लिए डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि वहां पे इंसान है, टैंक है या घास फूस है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। तो फ्रेंच आर्मी सबसे पहली आर्मी थी। ओके, चौथा है कि फ्रांस जो है ये पहला ऐसा कंट्री था जिसने सुपरमार्केट्स को बैन किया। किस मामले में? कि वो जो अनसोल्ड फूड्स को थ्रो अवे या डिस्कार्ड कर देते थे, तो फ्रांस ऐसा पहला कंट्री था, ऐसा इसने 2016 में किया था। इसके अलावा फ्रांस ऐसा पहला कंट्री है जहां पे विश्व का सबसे पहला आर्टिफिशियल हार्ट और फेस ट्रांसप्लांट किया गया। कब किया गया? तो 2013 में। ठीक है, फिर फ्रांस ही है जिसने
मेट्रिक सिस्टम 1793 में इन्वेंट किया था। मेट्रिक सिस्टम मतलब जैसे केजी, लेंथ, ये सब मेट्रिक सिस्टम में आते हैं। इसके अलावा जो है फ्रांस ही ऐसा देश है जहां पे पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज हुआ था 1660s में, ठीक है, और जिन्होंने यूज किया था उनका नाम था बी पास्कल। ओके, इसके अलावा अगर बात करें लोवरे जो है ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला म्यूजियम है। एस्टिमेटेड 9 मिलियन पर यूजर पर ईयर जो है यहाँ पे टूरिस्ट विजिट करते हैं इस म्यूजियम में, कहाँ पे, लोवरे में। और इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि फ्रांस ऐसा देश है जहां से सबसे ज्यादा नोबेल प्राइजेस इन लिटरेचर जो है जीते गए हैं। तो नोबेल प्राइजेस इन लिटरेचर सबसे ज्यादा कहां जीते गए हैं, तो आपका फ्रांस में, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, आई होप आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 2018 सियोल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। सो हु विल बी अवार्डेड विद 2018 सियोल पीस प्राइज। तो ये किसे सम्मानित किया जाएगा, तो जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को है सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी है। और ये किस लिए किया जाएगा, तो ये इनके मोदीनॉमिक्स के लिए जो है और इनकी जो नीति रही है देश और विदेश लेवल पे उनके लिए किया जाएगा। तो इन्होंने जिस हिसाब से सर्विसेज को पुअर के बहुत ही करीब या एक्सेसिबल बना दिया है, तो उसके लिए जो है इनको जो सियोल पीस प्राइज कमिटी है उनको अवार्ड देगी। और ये अवार्ड इनको कब दिया जाएगा, तो ये अवार्ड इनको कल दिया जाएगा, क्योंकि आज रात जो है श्री नरेंद्र मोदी जी साउथ कोरिया के दौरे पे निकलेंगे, ठीक है। तो उसी दौरान इनको जो है अवार्ड दिया जाएगा। ओके, तो यहां देखिए, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है हमारे, ये 14th रिसिपिएंट होंगे इस अवार्ड के, और ये एकमात्र भारतीय हैं जिनको सियोल पीस प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। सो अवार्ड के रूप में इनको एक डिप्लोमा, एक प्लेक और एक और जो है कैश प्राइज दिया जाएगा $2 लाख का, ठीक है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सियोल पीस प्राइज जो है ये 1990 में स्थापित किया गया था, और किस लिए, कि टू कॉमेमोरेट 24th ओलंपिक गेम्स जो कि सियोल में हेल्ड हुए थे। और कब हुए थे ये, 1988 में इसका आयोजन किया गया था सियोल ओलंपिक गेम्स का। ओके, अब यहां पे हमने आपको लिस्ट दिया है कि किसको किसको जो है अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो 1990 में आप देखें कि जुआन एंटोनियो सामारेंच को सम्मानित किया गया था, स्पेन के थे वो। 1992 में जॉर्ज स्कुल्ज को सम्मानित किया गया जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के थे। 1996 में मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स यानी कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये स्विट्जरलैंड के हैं, इनको किया गया था। 1998 में कोफी अनान जो कि फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल थे जिनका जो है पिछले साल निधन हो गया, तो वो घाना से थे, इनको सम्मानित किया गया था। वर्ष 2000 में सदाको ओगाटा जो कि जापान के थे इनको सम्मानित किया गया। 2002 में ऑक्सफैम को जो कि यूनाइटेड किंगडम की है इसको सम्मानित किया गया था। 2004 में वैक्लव हेवल को, इनको नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है, वो चेक रिपब्लिक के हैं, तो उनको दिया गया था। फिर मोहम्मद यूनिस जो कि अपने ग्रामीण बैंक के लिए बहुत फेमस है और नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था, मोहम्मद यूनिस जो है ग्रामीण बैंक के लिए फेमस थे, ठीक है, 2006 में, तो इनको जो बांग्लादेश के हैं तो इनको सम्मानित किया गया था। 2008 में अब्दुल सत्तार ईदी जो कि पाकिस्तान के हैं इनको सम्मानित किया गया। 2010 में जोस एंटोनियो एब्रू वेनेजुएला के, इनको सम्मानित किया गया। फिर 2012 में बान की मून साउथ कोरिया के जो आपके मतलब कि यूएन सेक्रेटरी जनरल थे इनको दिया गया। 2014 में एंजेला मर्कल जो कि जर्मनी की थी। 2016 में डेनिस मुकवेके जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के हैं इनको दिया गया। और 2018 में नरेंद्र मोदी जो कि भारत के हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं जो कि हम डिस्क्रिप्शन लिंक पे देते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी कक्षाओं में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत डिजिटल बोर्ड होंगे। सो बाय विच ईयर ऑल द क्लासरूम फ्रॉम क्लास 9 टू 12 विल हैव डिजिटल बोर्ड्स अंडर द ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। तो किस साल तक, तो करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि 2022 तक जो है
क्लास 9 से लेकर 12th और बाकी जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें डिजिटल जो है बोर्ड्स लगाए जाएंगे, ठीक है। और ये जो है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की तर्ज पे ये बनाया जा रहा है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कि आपको पता है 1987 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत प्राइमरी लेवल पे जो है बेसिक स्कूल फैसिलिटीज को मुहैया कराना, जिसका की लक्ष्य था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और अब क्या है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, और ये कौन लॉन्च कर रहा है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MOHRD, ठीक है, यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय। ओके, चलिए चौथे क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मेट्रो रेल परियोजना के चरण दो को किस शहर के लिए 19 फरवरी 2019 को मंजूरी दी गई। सो फॉर विच सिटी द फेज टू ऑफ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड बाई यूनियन कैबिनेट ऑन February 19, 2019। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। और इसमें क्या होगा कि इसमें आपके दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे। सो पहला जो कॉरिडोर होगा ये आपका मोटेरा स्टेडियम टू महात्मा मंदिर तक, ठीक है, महात्मा मंदिर तक बनाया जाएगा। और इसकी जो कुल लंबाई होगी वो होगी कितनी, तो आपका लगभग 23 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई होगी, ठीक है। दूसरा जो कॉरिडोर बनाया जाएगा गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि GNLU से लेकर गिफ्ट सिटी, ठीक है, सो गिफ्ट सिटी तक बनाया जाएगा। और ये लगभग 5 किलोमीटर का जो है ये कॉरिडोर होगा। सो टोटल कितना हो जाएगा, 28 किलोमीटर का कॉरिडोर हो जाएगा, ठीक है। गिफ्ट क्या है, गिफ्ट सिटी एक गुजरात की तरफ से प्रमोटेड ये एक फिनटेक सिटी है और इंडिया का पहला जो है ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है, इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी, ठीक है, ये है आपका गिफ्ट सिटी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। सो हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG चरण दो के तहत 1.95 करोड़ घर किस वर्ष तक बनाए जाएंगे। सो अंडर द फेज टू ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG 1.95 करोड़ हाउसेस विल बी बिल्ट बाय विच ईयर, आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कब तक दो बनाए जाएंगे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, यानी कि 2022 तक जो है 2022 तक 1.95 करोड़ घर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपका 2022 है और ये हमने इसलिए पूछा क्योंकि कल जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको 2020 के बियॉन्ड भी जो है एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है आपका 2020 में खत्म होने वाला था तो उसके बाद भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये कब लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो ये आपका लॉन्च हुआ था 2015 में। इनफैक्ट अगर कहें तो आपका 2015 में ये लॉन्च हुआ था, बल्कि ये जो है पहले इसको हम लोग इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते थे। किस नाम से, तो इंदिरा आवास योजना के नाम से। और इंदिरा आवास योजना जो है 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और इसको 2015 में क्या किया गया, इसको रीस्ट्रक्चर किया गया और नाम रखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। अब इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 70,000 रुपए जो है क्या दिया जाता है, आपका प्लेन एरियाज में जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है किसके लिए, घर बनाने के लिए। और आपका जो है 75,000 रुपए जो है ये दिया जाता है डिफिकल्ट एरियाज में फाइनेंशियल असिस्टेंस घर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका PMAY ग्रामीण। ओके, चलिए अब छठे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है कि विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडिंग लोन असिस्टेंस फॉर नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट NRETP। सो राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना के लिए कौन सी वित्तीय संस्था ऋण सहायता प्रदान कर रही है। तो ये कौन है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन सी, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पुनर्निर्माण और विकास अंतरराष्ट्रीय बैंक IBRD, जिसे हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
तो जनरली वर्ल्ड बैंक जो है पॉवर्टी और इकोनॉमी को जो है डेवलपमेंट और रिस्ट्रक्चर करने के लिए क्या करता है, जनरली फाइनेंस करता है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो इसमें जो है कुल मिला के 5 अंग हैं, ठीक है। सो 5 अंग में से कौन कौन है मैं यहां लिख दूं, तो आपका IBRD जो हमने देखा, दूसरा है आपका IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, एजेंसी। तो ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी जो है इसको हम लोग सॉफ्ट लोन विंडो भी बोलते हैं, क्योंकि इसके तहत सबसे कम दर पे डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया जाता है। तीसरा है आपका MIGA यानी कि मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। सो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है उसकी जो गारंटी है वो इसकी ये एजेंसी लेती है। इसके अलावा जो चौथी एजेंसी है वो आपकी कौन सी है, वो है आपकी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज है उनको फाइनेंस करती है। तो ये 4 जो है आपके मुख्य एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की। तो IBRD और IDA को मूलतः वर्ल्ड बैंक माना जाता है, और इसके जो प्रेसिडेंट है अभी तक कोई प्रेसिडेंट नियुक्त नहीं हुआ है। बल्कि अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के लिए US और लेबनान ने अपने अपने नॉमिनेशंस दे दी है। US ने जो है डेविड मलपास को नॉमिनेट किया है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के लिए, और लेबनान ने किसको किया है, जायद हायक को, ठीक है, जायद हायक को जो है नियुक्त किया है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में, नामित किया है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो अभी जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष थे किम जोंग इम, ठीक है, ऐसा ही कुछ नाम है। तो ये जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे, ये इन्होंने 1 फरवरी 2019 से क्या किया है, वर्ल्ड बैंक के पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो तब से ये पद खाली है, अभी इन दोनों ने नियुक्त किया है। अब ये तो हो गया वर्ल्ड बैंक से संबंधित जानकारी। अब इसमें यहां पे मैं आपको और एक बता दूं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, और इसमें कुल मिला के जो मेंबर्स हैं कितने हैं, 189 मेंबर्स हैं IBRD में, ठीक है। चलिए अब जो है देखते हैं किसके बारे में जानकारी, अब देखते हैं दीनदयाल यानी कि आपका जो है ये NRETP प्रोजेक्ट जो है ये किसके तहत जो है आपका मतलब कि ये किया जाएगा। तो NRETP प्रोजेक्ट जो है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके तहत, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। तो क्या नाम है शॉर्ट में, तो DAY NRLM। सो NRLM को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग आजीविका के नाम से भी जानते हैं। और ये जो NRLM है ये जून 2011 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसको हम लोग पहले किस नाम से जानते थे, तो SGSY यानी कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, जो कि 1999 में लॉन्च किया गया था। सो 1999 में जब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के दौरान लॉन्च किया गया था, तो इसके ऑपरेशन में क्या था कि मिक्स रिजल्ट्स पाए गए थे। तो उसके बाद जो है इसको रिव्यू करने के लिए, यानी इसमें जो क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती थी, तो इसको रिव्यू करने के लिए क्या है कि प्रोफेसर राधा कृष्ण कमेटी जो है ये बनाया गया था, ठीक है। सो प्रोफेसर राधा कृष्ण कमेटी ने ये कहा कि इसको जो है हम लोग एज अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड के फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे कि स्किल प्रदान करना, लोगों को फाइनेंस की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करना या एक्सेस देना, ठीक है। तो इस वे में क्या है कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड हम ग्रामीण लेवल पे पहुंचा सकते हैं, तो ऐसा राधा कृष्ण समिति ने कहा था, ठीक है। उसके बाद आजीविका जून 2011 में इसको रिस्ट्रक्चर करके किया गया, और फिर जो है आजीविका का जो है रीनेम करके जो है नवंबर 2015 में इसको रिनेम किया गया, किस नाम से, तो दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आपका है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ओके। आई होप आपको यहां से इतनी जानकारी मिल गई, काफी होगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 6ठा क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS का दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारा की लंबाई क्या है।
So how long will be the Delhi-Ghaziabad-Meerut corridor of regional rapid transit system? तो ये कितना लंबा होगा ये गलियारा? तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन सी, यानी कि 82 किलोमीटर लंबा होगा। कितना? तो 82 किलोमीटर ये लंबा होगा। अब यहां पे देखिए, हमने आपको इमेज दिया है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत। तो इसमें जो है तीन गलियारे बनाए जाएंगे। तो पहला है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, ठीक है। तो यहां पे मैं बता दूं कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ में कुल मिला के 22 स्टेशन होंगे, ठीक है। और प्लस जो है ये जो है क्या होगा कि हाई स्पीड रेल ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट होगा, ठीक है। हाई स्पीड रेल ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट होगा और यहां पे जो ट्रेन चलेगी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगी, दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट करेगी। तो ये जो है आपका सराय काले खां से चालू होगा और कहां तक जाएगा? तो आपका ये जाएगा मुरादपुर, जो कि मेरठ में है, ठीक है। मुरादपुर जो कि मेरठ में है। सो दिल्ली में जो इसका स्ट्रेच है कितना है? 13 किलोमीटर का दिल्ली में स्ट्रेच है। बाकी किसमें है? आपका यूपी में स्ट्रेच है और टोटल लेंथ 82.15 किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम आपको यहां पे बता दें कि बाकी जो दो गलियारे हैं इसके कौन कौन से हैं? दूसरा है दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी अलवर। तो ये जो है दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी अलवर जो है ये 180 किलोमीटर का होगा। और तीसरा है दिल्ली सोनीपत पानीपत, ये आपका 111 किलोमीटर का होगा। तो ये तीन गलियारे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत बनाए जाएंगे, ठीक है। और जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है इस पे जो कुल लागत आएगी कितनी आएगी? तो 31,902 करोड़ रुपए जो है इस पे कुल लागत आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 किस वर्ष तक 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ मोबाइल हैंडसेट के लक्षित उत्पादन की कल्पना करता है? द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी इनविजन्स अ टारगेटेड प्रोडक्शन ऑफ 1 बिलियन और 100 करोड़ मोबाइल हैंडसेट्स बाई विच ईयर? तो ये कब तक करता है? तो ये आपका करता है वर्ष 2025, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2025 तक 100 करोड़ मोबाइल हैंडसेट प्रोड्यूस करना राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के अंदर इनविजन किया गया है, ठीक है। अब यहां पे अगर इसके बात करें, कल जो है कैबिनेट ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2019 को मंजूरी दे दी और ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2012 को रिप्लेस करेगा। और इसका 2019 का मकसद होगा कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ESDM के मामले में ग्लोबल हब बनाना, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को जो है प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। सो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की टोटल वैल्यू टर्नओवर होगी वो होगी $400 बिलियन या फिर 26 लाख करोड़ रुपए। कब तक? तो 2025 तक इस टर्नओवर को अचीव करना है। फिर टारगेट प्रोडक्शन कितना है? 1 बिलियन या 100 करोड़ मोबाइल हैंडसेट 2025 तक। और इसकी जो कुल वैल्यू होगी $190 बिलियन या फिर कहें तो आपका 13 लाख करोड़ रुपए जो है इसकी कुल वैल्यू होगी। अब इस 1 बिलियन जो है मोबाइल हैंडसेट है इसमें 600 मिलियन हैंडसेट या 60 करोड़ हैंडसेट जो है इसकी वैल्यू होगी 110 बिलियन या फिर आपका 7 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो है कुल मिला के एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये वैल्यू कहां से आएगा? एक्सपोर्ट से आएगा, ठीक है। तो ये इसके टारगेट्स हैं किसके? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019 के, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान का उद्देश्य 2022 तक डैश की सौर क्षमता को अचीव करना है, जोड़ना नहीं है, अचीव करना है, ठीक है। सो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान एम्स टू एड अ सोलार कैपेसिटी ऑफ डैश बाय 2022, यानी कि 2022 तक किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के अंतर्गत कितनी सौर ऊर्जा की क्षमता जो है भारत में ऐड की जाएगी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, यानी कि कितना किया जाएगा? तो आपका
सॉरी इसका करेक्ट आंसर है सी 22,750 मेगावाट जो है, ठीक है, करेक्ट आंसर सी है 22,750 मेगावाट 2022 तक सोलार एनर्जी ऐड किया जाएगा इस किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत। ठीक है, तो हम आपको यहां पे बता दें, एक्सक्यूज मी आई एम अ बिट सॉरी, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है ये है ए, यानी कि 25,750 मेगावाट जो है ये करेक्ट आंसर है। तो 25,750 मेगावाट 2022 तक ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए, ये हमने इसलिए पूछा क्योंकि कल जो है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि आर्थिक मामलों की केंद्र मंत्रिमंडल ने किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के लॉन्च को अप्रूवल दे दिया है। इसका मतलब, इसका एम क्या है कि जो फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियल और वाटर सिक्योरिटी प्रदान करना। तो इसमें तीन कॉम्पोनेंट है, कॉम्पोनेंट ए, कॉम्पोनेंट बी और कॉम्पोनेंट सी। सो कॉम्पोनेंट ए के अंतर्गत 10,000 मेगावाट का डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट लगाना है। कॉम्पोनेंट बी के अंतर्गत 17,50 लाख स्टैंड अलोन सोलार पावर एग्रीकल्चर पंप्स जो है उनको इंस्टॉल करना है। और कंपोनेंट सी के अंतर्गत 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड सोलार पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स का क्या करना है, सोलराइजेशन या सोलार बेस्ड करना है। तो ये तीन कंपोनेंट है। तो इसके तहत क्या है कि कुल मिला के भारत जो सोलर एनर्जी ऐड करेगा वो कितनी होगी, 25,750 मेगावाट 2022 तक। और इस पे जो कुल लागत आएगा वो आएगा 34,422 करोड़ रुपए। ठीक है, इस पे कुल लागत आएगी। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो है करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि पहली बार स्वदेश में विकसित 155 मिलीमीटर गुने 45 कैलिबर वाली तोप का नाम क्या है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एवर इंडिजिनस 155 mm x 45 कैलिबर आर्टिलरी गन, ए भारत, बी धनुष, सी अर्जुन या डी भीष्म। तो दोस्तों आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और हम इसका आंसर कल इसी समय बताएंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अलविदा, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट। बट जाने से पहले दोस्तों फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी बजट का पार्ट टू यानी कि जिसमें हमने बजट के कंसेप्ट्स पे बेट 25 जीके क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो उसे देखना ना भूलें। और या आप कैसे देख सकते हैं, तो आप या तो हमारे प्लेलिस्ट पे ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम दोबारा फिर से इसी समय मिलेंगे। थैंक यू एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।